हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल DTA भागलपुर में। कल तो छुट्टी का दिन था, 15 अगस्त सब लोग मनाए होंगे, है ना, तो इसलिए हमने वीडियो भी नहीं डाला। प्रेशर देना नहीं चाह रहे थे, अभी अपने एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक दिन कम से कम रेस्ट कर लीजिए, है ना। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग जल्दबाजी में स्टार्ट करते हैं और आज हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। कथा सती प्रथा, पहला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सती प्रथा को, ठीक है, सती प्रथा को बंद कराने में तो किसके समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। इसमें किसका महत्वपूर्ण भूमिका था, तो राजा राम मोहन राय का, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में, ठीक है। अगला कहते भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय, तो तीन जगह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ कन्फ्यूजन आपको क्या कराता है कि तीन जगह कलकत्ता बम्बई और मद्रास, इसी तीन जगह जो है आपका उच्च न्यायालय का, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, विश्वविद्यालय का, और इसी तीन जगह जो है न्यायालय का भी स्थापना हुआ है, ठीक है। तो इसका डेट कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ दिया हुआ है किसके समय में, तो किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। आप लोग बताइए हमको कि कब हुआ था, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, यहाँ क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कलकत्ता बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। तो विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था कौन कौन सा, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठीक है। अगला क्या है देख लेते हैं, ठगों को संगठित गिरोहों का काम करना, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या क्या देखे थे, एक तो सती प्रथा वाला भी देखे ही थे, एक तो ये सही हो गया हमारा, ठीक है, दास प्रथा हम नहीं देखे थे, ठीक है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा ठगों का उन्मूलन भी जो है, ठगों को संगठित, कुछ ऑप्शन क्या है, ठगों के संगठित गिरोह का जो है दमन भी जो है इनके समय, आंसर होगा एक तीन और चार, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया, तो सिंध विजित कर, ठीक है, सिंध विजेता कौन हो गया, नेपियर, किसने, तो नेपियर ने, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन हमको थोड़ा डाउट बुझा रहा है क्योंकि सिंध विजेता 1843 में, ये शायद कैप्टन स्लीमैन थे, ठीक है, इसका एक बार थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो जाइएगा एक बार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लिटिल है ना, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन, कौन था, तो लॉर्ड लिटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनमें से किस वायसराय को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मार कर मौत के घाट उतारा था, तो पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस वायसराय को कहां पर, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसको, तो लॉर्ड मेयो को। भारत में प्रथम बार जनगणना कब स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही, ठीक है, भारत में प्रथम बार जनगणना किसके समय, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर आता है क्वेश्चन कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में स्वच्छता, क्वेश्चन क्या है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को अस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था, 1905 में, ठीक है। अगला मिलान करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इलवर्ट बिल विवाह, तो इलवर्ट बिल किसके समय में, आप लोग जानते ही होंगे इलवर्ट बिल विवाद किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में, तो पहला का क्या है, दो, तो यहाँ पे एक जगह दो है
और यहाँ पे दो है, इसका मतलब ये आंसर खत्म हो गया, ये आंसर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। फिर आता है हम लोग अगला कि द्वितीय अफगान युद्ध जो है, तो द्वितीय अफगान युद्ध जो हुआ था वो लिटन के समय हुआ था, ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में? लिटन के समय में, तो बी का एक, तो बी का एक, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया। तो तीसरा क्या है फिर, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम तो डलहौजी के समय, और प्राचीन स्मारक अधिनियम तो करजन के समय। वैसे भी हम लोग अगर नहीं भी जान रहे थे तो ऑप्शन से भी, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा इल्बर्ट विल विवाद, ये तो सब जान रहे होंगे रिपन, इसके अलावे प्राचीन स्मारक अधिनियम तो करजन के समय, पुरातात्विक वाला पढ़े होंगे तो करजन का नाम पढ़े होंगे, है ना, तो वहां से इससे भी जो है हम दो जान रहे थे, इससे भी हमारा आंसर क्या निकल जाता है, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, किसका बात कर रहे हैं हमें, गवर्नर जनरल का, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी जल्दी बताइए, भारत का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। आंसर हमारा क्या दिया हुआ है, ए, लॉर्ड मेयो नहीं थे, लिटन भी नहीं थे, कैनिंग भी नहीं थे और डफरिन भी नहीं थे, तो कौन थे पहला गवर्नर कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कार्यकाल कब उनका, 1900 माउंट बेटन योजना कब आया था, 1946-47 ना, तो 46 से लगभग 48 तक ही उनका कार्यकाल, या कहीं कहीं 1947 से 48 भी रहता है, ठीक है। अगला, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय, तो फिर वही चीज आ गया, क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैनिंग, ठीक है। अगला, ठगों का उन्मूलन किसने किया था, कैप्टन सिलीमैन ने, कैप्टन सिलीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसने किया था, कैप्टन सिलीमैन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति किसने, तो लॉर्ड लिटन ने, किसने, लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। भारत, क्वेश्चन अगला कहता है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किसके द्वारा, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अगला, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की गई, तो हाई कमीशन पद की जो स्थापना की गई थी मॉन्टेग्यू के समय में, ठीक है, किसके समय में, तो मॉन्टेग्यू के समय में, 1919 का अधिनियम जो था हमारा, 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेस्कॉट, उसी के समय में। अगला, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, तो अंतिम वही वायसराय जो पहले गवर्नर जनरल थे, तो माउंट बेटन, ठीक है, माउंट बेटन। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वही हो गया, प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, तो कौन हो गए, क्वेश्चन क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी जो है किसने घोषित किया था, ठीक है, सती प्रथा जो बात कर रहे हैं, सती प्रथा का, तो किसने किया था, तो विलियम बेंटिंक ने, यहाँ आंसर क्या, ये विलियम ठीक लिख दिया या गलत लिखा है, विलियम बेंटिंक, ठीक है, विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंपेरियल कैडेट क्रॉप्स, तो इंपेरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी, तो ये करजन के समय में हुआ था, इंपेरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसके समय में, तो करजन के समय में, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये 1900 में पारित हुआ था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1900 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहते हैं द्वैध शासन का जनक, तो द्वैध शासन का जनक अगर बोलेंगे तो सर लियानील कार्टिस, द्वैत शासन का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जनक, तो सर लियानील कार्टिस, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में द्वैत शासन पहली बार कौन लगाया, तब इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, क्लाइव, और किसने हटाया द्वैत शासन को, उसका आंसर हो जाएगा हमारा विलियम बेंटिक, ठीक है।
सॉरी वारेन हेस्टिंग ने हटाया, लॉर्ड क्लाइव ने द्वय शासन लगाया था। और अगर जनक का बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? सर लियानिल कर्टिस। अगला, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए कि उसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन करजन का ही है। यह कथन किसका है? तो करजन का है, ठीक है। अगला, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चांसलर सुधार अधिनियम बना तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? किसका बात हो रहा है? मॉन्टेग्यू चांसलर सुधार, जो कब बना था? 1919 में। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर, तो भारतीय लोगों को पहली बार राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में ही भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में, ठीक है। अगला, मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड की रिपोर्ट, तो मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड सुधार जैसे ही बोलेंगे तो कितना चला जाएगा हमारा? 1919, ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ये भी पूछा गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने, जिसने द्वैत शासन को समाप्त कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर 1935 में के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935, तो 1935 में कौन थे? तो 1935 में कौन थे? उल्लिनलित बोझ है, ठीक है। अगला, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो मार्ले मिंटो सुधार हम लोग जानते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए, है ना, मुसलमानों के लिए खास करके था, पृथक निर्वाचक मंडल का मांग था। कहता है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः स्वीकार किया, यानी कि अब जो है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को जो है स्वीकार किया गया था, किस कब? तो 1853 में। कब? 1853 में। किसका कार्यकाल था 1853 में? तो डलहौजी का। किसका था? डलहौजी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लाई ने, यहाँ लॉर्ड लिखा होगा, ठीक है, यहाँ लाई ने, यहाँ पे तो लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड कर्नवालिस को अपने ही फैसले का, ठीक है, अपने काउंसिल के अपने ही फैसले को रद्द करने का अधिकार कब? तो 1786 के एक्ट के द्वारा, 1786 के एक्ट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। 1935 ने क्या समाप्त किया? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, देखिए प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था ये भी सही है, दूसरा अगर देखा जाए तो प्रांतीय स्वायत्तता भी जो है कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता भी मिलता है। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब भी वही हुआ कि प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त करना, ठीक है, और प्रांतीय द्वैध शासन ये थोड़ा क्लियर कर दिया था जिस वजह से इसका उत्तर ये दिया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमारा ये नहीं रहे तो हमारा आंसर फिर ये हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। अगला, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय, बंगाल विभाजन कब? 1905 में करजन के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है? तो लॉर्ड वेलेसली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलेसली की सहायक संधि को, ठीक है, वेलेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, पूछ रहा है कौन? पहला, लेकिन है कौन? तो द्वितीय, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, आगे क्वेश्चन वही कि बंगाल में जो है, बंगाल में सिर्फ बात करें तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का
पहले भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी, और अंतिम भी गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद ही गवर्नर जनरल का पोस्ट क्या हो गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वही हम लोग जान ही रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना, तो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में। एक और क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? तो ये भी 1774 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया? तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? तो रद्द हमारा किसने किया? रिपन ने। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था? तो लिटन ने। ठीक है, लिटन ने क्या किया था? लिटन ने लाया था। और रद्द किसने किया? तो रिपन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षक, अभी जस्ट हम लोग देखे थे मिलान करने वाले में कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान, ठीक है एक मिनट, क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा, है ना, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन किसके समय उलट दिया गया था? तो देखिए, बंगाल विभाजन हुआ किसके समय था? कर्जन के समय। कब हुआ था? 1905 में। किसके समय हुआ था? तो कर्जन के समय। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया? ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा हमको ये लग रहा है ना, किसके समय उलट दिया गया बंगाल विभाजन, क्या हो सकता है इसका आंसर? यहाँ होर्डिंग दिया हुआ है भाई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1784 में। कब पारित किया गया? तो 1784 में। ठीक है, अगला, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था किसका? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। किसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ? भारतीय, ध्यान रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किसके समय पारित हुआ? तो कर्जन के समय। कर्जन का कार्यकाल क्या था? 1904-5 के आसपास, तो 1904 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किसके समय पारित हुआ? कर्जन के समय। कब पारित हुआ? 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य नियुक्त किया गया कब? 1900 कहीं कहीं, इसका आंसर कहीं कहीं 77 भी है और कहीं कहीं हमारा आंसर 76 भी है। ठीक है, तो लुसेंट में शायद 77 है, 1877 में महारानी विक्टोरिया को साम्राज्य नियुक्त घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल थोड़ा लेवल टू। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको बोला जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन जान ही रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में, सांप्रदायिक निर्वाचन ही था, मुसलमानों के लिए उसी टाइम आया था। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, अभी जस्ट देखे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल, क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल दिया तो लॉर्ड माउंटबेटन, पहले भारतीय गवर्नर जनरल देता, पहला भारतीय अगर यहाँ लिख देता है तब हमारा आंसर हो जाता सी राजगोपालाचारी, है ना, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो स्थानीय सरकारी निकाय, स्थानीय सरकारी निकाय किसके समय? तो रिपन के समय। किसके समय? तो रिपन के समय सृजन किया गया था। ठीक है, अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय
स्वशासन किसके समय, तो रिपन ने हिलाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है, रिपन को। व्यवगत का सिद्धांत ये डलहौजी लाया था, ठीक है। व्यवगत का सिद्धांत की नीति किसने लाया था, तो डलहौजी ने लाया था। अगला कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी, तो ये भी डलहौजी ही नहीं लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी किसने बनाया था, तो डलहौजी ने ही बनाया था, ठीक है। अगला जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प नीति, तो 48 हड़प नीति, तो हड़प नीति भी कौन लाया था, तो डलहौजी ही लाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवगत के सिद्धांत है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे व्यवगत का सिद्धांत है ना, कौन, तो डलहौजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन विलय का सिद्धांत जो है, ठीक है, कि विलय का सिद्धांत या हड़प नीति, अभी जस्ट हम लोग देखे हड़प नीति या विलय का सिद्धांत या हड़प नीति भी कौन लाया था, तो डलहौजी लाया था, ठीक है। अगला लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति बनाई थी, तो व्यवगत का सिद्धांत जो था हमारा, व्यवगत का सिद्धांत किसने, डलहौजी ने, तो भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए यह नीति बनाया गया था, ठीक है। अगला भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में, पहली यात्री ट्रेन किसके समय में, पहली यात्री ट्रेन कब, 1853 में, किसके समय में, तो डलहौजी के समय में ही, किसके समय में, डलहौजी के समय में ही, कहां से कहां तक, तो बंबई से थाने, ठीक है, बंबई से थाने, ठीक ना, पहला जो ट्रेन चला था बंबई से थाने। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक, तो भारतीय रेल का जनक किसको बोला जाता है, तो डलहौजी को ही बोला जाता है 1853 में। कहते जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो दांडी यात्रा, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने जब दांडी यात्रा का आह्वान किया था, तो दांडी यात्रा हम लोग जानते हैं कब आह्वान किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही दांडी यात्रा निकला था, तो कब निकला था, 1930 में। तो 1930 में हमारा कौन थे वायसराय भारत के, तो भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, कौन थे, तो लॉर्ड इरविन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधारों का नाम बताइए, तो डलहौजी का तो अभी जस्ट बताएंगे, है ना, सती प्रथा पर प्रतिषेध किसके समय में, विलियम बेंटिक के समय में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में, ठीक है। अगला भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मैकाले, थॉमस बेविंगटन मैकाले, है ना, थॉमस बेविंगटन मैकाले, इसी के तहत 1813 का जो था मैकाले प्रपत्र जो है उसी में पहली बार शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपया जो है दान किया गया था, शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपया जो है 1,00,000 रुपया दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको बोला जाता है इनमें से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, चेरी नाम किसने, डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी, तो ये जो अवध वाला साम्राज्य था, अवध साम्राज्य को क्या नाम दिया था डलहौजी ने, तो चेरी नाम दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है, तो ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक जो है किसको माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को, किसको माना जाता है, कॉर्नवालिस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, तो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जो पहले गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय नाम दे दिया गया, कब, 1858 में, कब, 1858 में, ठीक है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो ब्रिटिश भारत, यानी कि क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय ब्रिटिश भारत का, यानी कि भारत में जो है ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, माउंटबेटन, और अगर यहीं पे ब्रिटिश नहीं होके अगर भारतीय वायसराय बोलता तो कौन हो जाता, स्वतंत्र भारतीय वायसराय, तो सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत का वायसराय क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
तो अंतिम गवर्नर जनरल जान ही रहे हैं कि लास्ट राजगोपालाचारी बने थे, उसके बाद से ये खत्म ही हो गया था, वायसराय या गवर्नर जनरल दोनों पद खत्म ही हो गया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो देखिए क्लियर नहीं किया है यहाँ पे ब्रिटिश या भारतीय, ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को देख लेना है। अगर राजगोपालाचारी भी रहे, माउंटबेटन भी रहे, तो आंसर हमारा ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, तो देखिए गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन, इसके बाद ही स्वतंत्र रूप से कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था, तो माउंटबेटन है ना, माउंटबेटन, इसका कार्यकाल कब से कब था, 1900, मेन रूप से अगर देखा जाए तो 1948 तक ये थे, ठीक है, जब तक कि ब्रिटिश जो है यहाँ भारत से गया नहीं था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश जो है भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, भारतीय संविधान का अस्तित्व, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, आंसर क्या होगा हमारा, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि संविधान अस्तित्व में हमारा आया था तो गवर्नर जनरल का पद ही क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे फिर चुनाव हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामोंटिशी नामक नीति का आरंभ किया था, तो पैरामोंटिशी नामक नीति का आरंभ किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सुधार आंदोलन कब, तो इसका डेट भी याद रखना है हमको, 1829 में किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा क्या समाप्त किया गया था, तो सती प्रथा का निषेध किया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया था, तो 1829 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था, तो कैनिंग, पहले गवर्नर फिर फिर वायसराय गवर्नर जनरल, तो है ना, तो कौन बना था पहला, तो कैनिंग, ठीक है। अगला, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि यहीं पे क्या किया गया था, गवर्नर जनरल का पद को समाप्त किया गया था और वायसराय अब कहलाने लगा था, ठीक है, तो वायसराय कहलाने लगा था, तो कौन कहलाने लगा था, तो पहला कौन हो गया, कैनिंग, तो कैनिंग के समय में ही वायसराय कहलाया, इस वजह से आंसर इसका क्या हो गया कि अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हो गया, कैनिंग, और पहला वायसराय भी कौन हो गया, तो कैनिंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो बंगाल में सबसे पहले कौन आया था, बंगाल वाले क्षेत्र में, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगला, 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1848 से लेकर 1856 के बीच, तो 1853 वगैरह सब में हम देखते हैं कि ट्रेन वगैरह सब चलाया गया था, तो ट्रेन वगैरह सब किसके समय चलाया गया था, तो डलहौजी के समय, हो गया हमारा आंसर डलहौजी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक बोला जाता है, तो सिविल सेवाओं का जनक किसको बोला जाता है, तो कॉर्नवालिस को, किसको बोला जाता है, कॉर्नवालिस को। कहते हैं लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटे, तो क्लाइव जो है वो कब वापस चला गया था, 1767 में। अगला क्वेश्चन, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल, तो फिर से वही आ गया इल्बर्ट बिल विवाद, तो इल्बर्ट बिल विवाद जो ये किससे था, तो लॉर्ड रिपन से था, इल्बर्ट बिल विवाद किससे था, तो लॉर्ड रिपन से था, ठीक है। अगला, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा, ये किसके बारे में कौन बोला था ये, तो डलहौजी ने, अवध साम्राज्य के बारे में, किस कौन से साम्राज्य के बारे में, अवध साम्राज्य के बारे में क्या कहा था कि यह जो है वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा, तो किसने, तो डलहौजी ने। तो हम लोग एक देखे भी थे अवध क्षेत्र में जो है डलहौजी का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, जिस वजह से अवध क्षेत्र का नाम भी चेंज किए थे, तो नाम भी चेंज करके क्या रखे थे, चेरों, है ना, नाम भी चेंज किए थे, चेर रखे थे। अगला, 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस, तो गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया 1798 में, तो 1798 में कौन था हमारा,
वेलेसली। 1798 में कौन था? तो वेलेसली। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, पूछा गया क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया 1793 में, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा। कब लागू किया गया? 1793 में। ठीक है, अगला, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों का सृजन किया था? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का, तो स्थानीय सरकारी निकाय, स्थानीय सरकारी निकाय का किसने किया था? तो रिपन ने किया था। किसने किया था? तो रिपन ने किया था। ठीक है, अगला, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल, तो सैनिक विद्रोह जो है, ये जो विद्रोह है सैनिक विद्रोह, इसी विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं, 1857 का भी विद्रोह बोलते हैं। इसी विद्रोह को क्या बोलते हैं हम लोग, 1857 का भी विद्रोह। तो उस टाइम में कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय कौन था? जब सिविल सेवाओं का गठन हो रहा था, ठीक है, 1912 का बात हो रहा है कि सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन, तो रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने, क्योंकि 1912 का डेट बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही कलकत्ता से, लॉर्ड हार्डिंग ने ही भारत की राजधानी कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी। तो कब की थी? 1911 में। कब? 1911-12। ठीक है, 1911-12, उस टाइम में यहाँ पे 12 पूछ रहा है, तो कौन हो गया हमारा? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, या इसको और बोलते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, तो यह गवर्नर जनरल, तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो अभी हम लोग देखे थे सती प्रथा का उन्मूलन जो है, सती प्रथा का उन्मूलन कब देखे थे? 1829 में। सती प्रथा का उन्मूलन कब देखे थे? 1829 में। किसके द्वारा देखे थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हम लोग देखे थे। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज, यानी कि डोमिनियन स्टेट, तो डोमिनियन स्टेट 1929 का बात कर रहा है, हम लोग देखे थे कि 29-30 में जो था, 29-30 में इरविन था, इरविन था, क्योंकि हम लोग ये पीछे भी हम लोगों ने देखा, पीछे भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो 29-30 के समय में कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, क्योंकि हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। तो इसका मतलब इसके आसपास में कौन थे हमारे? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लिटन लाया था। उसको समाप्त कौन कराया था? रिपन। रिपन ने क्या कराया था? उसको समाप्त कराया था। ठीक है, रिपन ने क्या कराया था? तो समाप्त कराया था। लाया कौन था? तो लिटन ने लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, फिर वही क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन हो गया? माउंट बेटन। ठीक है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया? तो पहली बार हम लोग जानते हैं कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण यानी कि जनगणना 1871 में, तो 1871 में किसके समय में देखते हैं? तो लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया? तो प्रस्तावित, तो इसका डेट भी याद रखिएगा, कब? 1878 में। तो वही कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा गया है, बार बार पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में। किसके द्वारा? तो लिटन के द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश जो है अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो किसके द्वारा? तो वेलेसली के द्वारा। किसके द्वारा? तो वेलेसली के द्वारा। ठीक है, अगला,
सहायक गठबंधन 1798 में, तो 1798 में जो गैर हस्तक्षेप नीति, तो 1798 के टाइम में जो सहायक गठबंधन यानी कि सहायक संधि, तो वो वेलेसली की सहायक संधि है। किसकी सहायक संधि? तो वेलेसली की सहायक संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? कौन हो गया? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार यानी कि द्वैत शासन की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार नायब घोषित किया था, तो कहाँ का बनाया था? तो बंगाल का। मीर जाफर, मीर कासिम, ये लोग कहाँ क्षेत्र में थे? तो बंगाल वाले क्षेत्र में थे। कहते भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना, जो अंतिम गवर्नर जनरल, वही जो है पहला वायसराय था, जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही पहला वायसराय था। तो प्रथम वायसराय कौन हो गया? केनी। कब? तो 1858। ठीक है, 1858। अगला, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे सहायक संधि, तो कौन लाया था? वेलेसली, वेलेसली की सहायक संधि, वेलेसली की सहायक संधि। ठीक है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किस वायसराय के समय में? नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? उद्घाटन किसने किया था? इरविन ने। 1931 में घोषणा कब हो गया था? हस्तांतरित कब हो गया था? हस्तांतरित 1912 में ही देखते हैं। हॉर्डिंग, हॉर्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, कलकत्ता से कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली। और यहाँ कब का बात कर रहा है? 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन, तो किसके समय? तो 1931 के समय देखे थे। कौन थे? तो इरविन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा, तो हम लोग पीछे भी देखे कि भारतीय सिविल सेवा के जनक किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो कौन हो जाएगा हमारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना, तो पहला मदरसा की स्थापना। भारत में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार मदरसा की स्थापना, भारत में पहली बार मदरसा की स्थापना कब? 1781 में। कहां पर? तो कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो चार चीज हमको यहाँ पे याद रखना है कि भारत में पहली बार मदरसा जो है, तो मदरसा की स्थापना कब? 1781 में। कहां पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। 1885 के समय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बंगाल सती अधिनियम 1829, तो सती उन्मूलन अभी जस्ट हम लोग देखे थे, सती उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, अगला, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है, तो सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह जो बोलते हैं हम लोग, सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह रहे या फिर सैनिक विद्रोह रहे? ठीक है, सिपाही विद्रोह रहे या फिर सैनिक विद्रोह रहे? ठीक ना, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है 1857 के विद्रोह के बारे में। तो 1857 का विद्रोह के बारे में, जो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, अगला, रियासतों का एकीकरण, ठीक है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति द ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? दादा भाई नरोजी को, जान ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो लेबर पार्टी से। किस पार्टी से?
तो लेबर पार्टी से चुने गए थे, लेबर पार्टी से चुने गए थे। क्वेश्चन पूछा गया है किस पार्टी से चुने गए थे, लेबर पार्टी के से चुने गए थे। कौन चुने गए थे, तो दादा भाई नरोजी चुने गए थे। निम्नलिखित आंदोलन कालक्रम सजाइए, इसका देख लीजिएगा आंसर। अगला कहता है डैश जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखा था। ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा भी नहीं, एस गोपाल ने। अगला क्वेश्चन सही करें फिर उसका देख लीजिएगा, मिलान करने वाला है, ठीक है, फिर इसका भी देख लीजिए मिलान करने वाला। आनंद भवन कहाँ पर है, तो इसमें से पहले जो जो जान रहे हैं हम लोग वो मिला लेते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, अहमदाबाद में। जलियांवाला बाग कहाँ पर, अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, तो मुंबई में। इसका मतलब आनंद भवन कहाँ हो गया हमारा, इलाहाबाद में। तो यहाँ से हम लोग मिला लेंगे 3-4-1-2, 3-4-1-2, ठीक है, चलिए हो गया आंसर हमारा। अगला कहते हाथ कती खादी के वस्त्रों में हथकरघा, ये हाथ कती नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा गया, हाथ कती नहीं है, ये बात कर रहा है हथकरघा, ठीक है। तो हथकरघा जो है जो खादी के वस्त्रों से जो है 1877 में शाही दरबार में कौन शामिल हुआ था, तो कौन शामिल हुआ था, तो इसमें से देख लीजिए इसका आंसर क्या दिया गया है, कौन शामिल हुआ था, तो गणेश वासुदेव जोशी। कौन शामिल हुआ था, तो गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो सरदार पटेल। राज विभाग मतलब प्रांतीय का बात कर रहा है, किसका, प्रांतीय का बात कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि प्रांतीय जो था किसके अंडर में था, सरदार के अंतर्गत में। जवाहरलाल नेहरू के समय में कौन था, तो संघीय व्यवस्था किसके समय था, तो संघीय व्यवस्था किसके हाथ में था, जवाहरलाल नेहरू के समय में। राज्य विभाग या प्रांतीय विभाग किसके हाथ में था, तो सरदार पटेल के हाथ में। 1927 की बटलर कमेटी, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, पूछता है क्वेश्चन कि बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था, 1927 में, किसके लिए था, तो भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए था, ठीक है, बटलर कमेटी 1927 में। कहते हैं निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो किसको नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। रानी अवध से जो लड़ी थी, सॉरी ये झांसी से जो लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, है ना, तो उनका समाधि भी कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। समाधि भी कहाँ पर है, तो ग्वालियर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो भारत की जो पहली सत्याग्रही थी, तो भारत के पहले जो सत्याग्रही थे उन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे, जो पहले क्या थे, सत्याग्रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन कारण उपाधि देख लेते हैं हम लोग। कहता है आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है, तो आधुनिक मनु के रूप में किसको जाना जाता है, तो B.R. अंबेडकर को। किसको जाना जाता है, B.R. अंबेडकर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट इटिफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीन बंधु नाम से जाना जाता है, तो दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु के नाम से कौन सा अंग्रेज जाना जाता है, तो सर एफ एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज जो है वो दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, C.F. एंड्रयूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान के बारे में, तो बादशाह खान किसको, तो खान अब्दुल गफार खां। सीमांत गांधी भी किसको बोला जाता है, सीमांत गांधी भी किसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफार खां को, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में महान आत्मा कहा था, तो भिखारी के लिबास में महान आत्मा किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में कौन कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जान रहे हैं JP आंदोलन, तो उसी समय में दिया गया था नारा, तो संपूर्ण क्रांति का, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई है, यह कथन किसका है, तो यह क्वेश्चन है हमारे
महात्मा गांधी का। किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ठीक है, उच्च वर्ग जो है वो शारीरिक तथा नैतिक रूप से क्या है? मृत है। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत सेफ्टी वॉल का प्रयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग की उपास्थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि सेफ्टी वॉल जो है, सेफ्टी सुरक्षा सिद्धांत, तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने? लाला लाजपत राय ने। फिर अलग से ये भी क्वेश्चन किया गया है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था, लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज बताया था, तो किसने? लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वॉल थ्योरी भी किसने दिया था, सुरक्षा सिद्धांत भी किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित कथन किसका है? कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा फिर वही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर वही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों को के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। तो ये किसने बोला? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। किसका था? तो महात्मा गांधी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो का नारा। तो हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, यही गलत हो गया हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में करो या मरो का नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसी टाइम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो, ये तो हो ही गया। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो किसके बारे में कहा था? महात्मा गांधी के निधन पर। ठीक है, अगला, इनमें से किसे भारत का लौह पुरुष माना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसको माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु? तो देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, और दीन बंधु कौन थे? तो सी एफ एंड्रयूज। दीन बंधु कौन थे? सी एफ एंड्रयूज। देश बंधु कौन है? चितरंजन दास। इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर। तो भारत का मार्टिन लूथर कौन हो गए? दयानंद सरस्वती। ठीक है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा, अभी जस्ट देखे ही थे हम लोग 1942 में, तो 1942 में कौन सा स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर, तो आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो किसको? तो बांधों को, बांध जो बनाया गया था, हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के समय में ही जो पहली बार लाया गया था बहुउद्देशीय परियोजना, पहली बार जो लाया गया था बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर लाया गया था? तो दामोदर नदी पर। किस नदी पर? किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी पर है ना, बहुउद्देशीय परियोजना। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहा है कि उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा किसको दी थी? तो बांधवों को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। तो वही क्वेश्चन हो गया, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और लिखा क्या गया है इंग्लिश में,
कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले कर रहूंगा। तो किसका कथन है? आप लोग जान रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका है? तो इकबाल का, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी पूछा गया? क्वेश्चन है कि पंजाब के क्षेत्र से कौन आते थे? लाला लाजपत राय, इन्हीं को जो है लोकप्रिय नेता के रूप में क्या बोला जाता था? पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। कहते हैं किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, किसको? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद पदक जो है सम्मानित किया था? तो किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कैसर ए हिंद की। किसकी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि, जो इन्होंने कब लौटाया था, कब मिला? 1911 में मिला है ना। 1911 में क्या हुआ था इनको? मिला लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लौटाया कब? 1913 में, जलियांवाला बाग कांड के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था 1942 में? किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला, कहते बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, शब्द गौण है। कहते हैं चार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, चार रहते हुए दूर तक जाते हैं, किसका कथन है? तो विवेकानंद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये किसने कहा था? तो तिब्बती शरणार्थी जो है बौद्ध धर्म के, वो दलाई लामा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो इंडिया गेट का निर्माण। कहां पर है इंडिया गेट? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम वाड़ा, ठीक है, तो बड़ा इमाम बाड़ा की स्थापना कहां पर? लखनऊ में। किसने? तो आसफ उद दौला ने। किसने? आसफ उद दौला ने। कहता वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान, इंडिया गेट, तो ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इंडिया गेट। ठीक है, तो वहां पे अमर जवान ज्योति जो है अखंड रूप से प्रज्वलित है, कब से? 1971 से। कब से? 1971 से। 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति, वही इंडिया गेट पे जो देखे थे दिल्ली में, तो ये 1971 में किसके साथ? कारगिल का जो युद्ध था हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ, कौन सा युद्ध? तो कारगिल का युद्ध जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने कराया था? तो जॉर्ज पंचम ने। किसने कराया था? जॉर्ज पंचम ने।
भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया था? तो इंडो सार्सैनिक शैली में, इंडियो सार्सैनिक शैली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किसने किया था? तो सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस ने। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का, तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने। तो जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो है दिल्ली में, इसका निर्माण किसने किया था? वही सर एडविन लुटियंस ने। ठीक है, अगला, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो अभी जैसे देखें हम लोग दिल्ली का इंडिया गेट, दिल्ली का इंडिया गेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया? तो इंडिया गेट का लुटियंस ने, और मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया उसका किसने किया था? जॉर्ज विटेट ने। किसने किया था? जॉर्ज विटेट ने। ठीक है, अगला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है, इस इमारत का नाम बताइए? तो विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल का स्थापना अंग्रेजों ने कहाँ पर कराया? तो कलकत्ता में कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने चार घोड़ों युक्त एक संयुक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई थी, ये नागपुर में। तो ये सब क्वेश्चन आपको कभी पूछेगा भी नहीं। ठीक है, फिर वही आ गया, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन तो एडविन लुटियंस ने। ठीक है, फोर्ट विलियम की स्थापना का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, तो फोर्ट विलियम का स्थापना कहाँ पर कराया था? तो ये फोर्ट विलियम जो है कहाँ पर कराया था? फोर्ट विलियम का तो ये कराया था हमारा कलकत्ता में ही। कहाँ पर? तो कलकत्ता में ही। तो कहते हैं किस किले के निर्माण स्थल के लिए एक गाँव को उजाड़ा था? तो ये गोविंदपुर गाँव को उजाड़ दिया था। ठीक है, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब मिला था? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब मिला था? तो 71-72 वाला जो हमारा युद्ध था उसी टाइम में, 71 के युद्ध में जो है क्या किए थे हम लोग, कारगिल का जो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसी में जो है बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य देश के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1971 में। ठीक है, अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच 60 की जो लड़ाई हुई थी, अच्छा 60 में हुई सिंधु जल संधि, तो सिंधु जल संधि जो है किस शहर में हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में कौन सी जल संधि? तो सिंधु जल संधि। कहाँ पर? तो कराची में हस्ताक्षर हुआ था, कराची में। ठीक है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासत कितने थे? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में टोटल कितना रियासत? तो 565 रियासत था। ठीक है, कहते हैं 1885 के समय समझौता, 1885 में नई दिल्ली में डेल और किसके किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, 1885 में असम समझौता जो है, तो असम समझौता जो है ये और असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच, और कौन थे इधर से? राजीव गांधी थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब। ठीक है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? तो कारगिल युद्ध। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो कोड नाम वही ऑपरेशन भी, अच्छा कारगिल युद्ध जो है, सॉरी कारगिल युद्ध जो आपका कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था आपका 1999 में, है ना, 1999 में, ऑपरेशन विजय। ठीक है, कारगिल युद्ध में देखिए भारत पाकिस्तान वाला कारगिल युद्ध कब हुआ था एक बार जरा चेक कीजिए तो। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने तास्कन समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो तास्कन समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। तास्कन घोषणा हुआ था किस युद्ध के बाद? तो 62 के युद्ध के बाद, तो 65 में, 62 युद्ध के बाद 65 में। ठीक है, 72 में शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था? तो एक तरफ तो हमारा इंदिरा गांधी, तो पूछता है कि ये जो शिमला समझौता हुआ था कब हुआ था? 1972 में, किसके किसके बीच? तो इंदिरा गांधी और कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता किसके किसके बीच? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। कब? तो 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता फिर वही हो गया,
99 ही ना, कारगिल युद्ध। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा किसके हाथ में था? तो गोवा जो है स्वतंत्र भारत कब हो गया था, तो भारत स्वतंत्र कब हो गया था, 1947 में भी, 47 में ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो गोवा जो था किसके अधीन था, तो पुर्तगाली के अधीन था, जो कब वापस इसको ही किया गया, 1961 में, 1961 में गोवा को आजाद कराया गया पुर्तगालियों से। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन से वर्ष जब भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था, तो कब नहीं हुआ था, 47 में, भारत पाकिस्तान वाला देखते ही है, 65 में भी देखे हैं, 71 में, तो 62 में, 62 में किसके साथ हुआ था, तो चीन के साथ हुआ था, 62 में किसके साथ हुआ था, तो चीन के साथ हुआ था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध का वर्ष क्या था, तो 71 से पहले 65 वाला भी हम लोग देखे थे, 65 में भी हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली, तो बांग्लादेश को हम लोग जानते हैं पाकिस्तान से ही स्वतंत्रता मिली। ठीक है, अगला, कौन सा साल बांग्लादेश एक संसदीय लोकतंत्र बना, तो कब, 71 के युद्ध के बाद, कब, तो जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया। ठीक है, चलिए, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था, तो अभी जस्ट हम लोग देखे कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर कब परिवर्तित किया गया, तो 71 के युद्ध के बाद ही कर दिया गया था, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया, 1940 में, डेट याद रखिएगा, 1940 में किसने, तो विनोबा भावे ने क्या स्टार्ट किया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से, तो पवनार जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र के पवनार से ही विनोबा भावे ने क्या स्टार्ट किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया था, तो 1940 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहते हैं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य हम लोग देखे थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, उसके बाद सर पैथिक लॉरेंस क्लेमेंट एटली थे, लॉर्ड एटली शायद नहीं थे, ये क्लेमेंट एटली नहीं थे, ठीक है, क्रिप्स लॉरेंस तो थे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर थे, तीन थे कैबिनेट मिशन में, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, मिलान करने में आ गया, पहला कार्यानंद शर्मा, तो कार्यानंद शर्मा का संबंध कहाँ से था, तो मुंगेर में था, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकेतन का कहाँ था, सारण, सारण में भी बोलेगा कहाँ से, तो सारण में भी छपरा से। ठीक है, तो ये मिला पहला का दो, डी का चार, पहला का दो, इसका मतलब ये दोनों खत्म हो गया हमारा, और डी का चार, तो डी का चार, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर, या क्या दिया है, सी, कैसे, राहुल सक्रियतम का चार ये गलत दिया है, राहुल सक्रियतम जो है इसका सारण ये सही होगा, इसका उत्तर गलत दिया गया है। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर होगा डी, तो दो तीन, कार्यानंद शर्मा का मुंगेर और राहुल सक्रियतम का सारण छपरा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, बाबा ठाकुर दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि यह तब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, जब तक यह तीसरी शक्ति यानी कि इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, यह किसका कथन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया गया था, तो कब, 1874 में, कब निलंबित किया गया, 1874 में। ठीक है, किसको किया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास का विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो कौन सा ऐतिहासिक नहीं था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 73 भी जान रही है, चार्टर एक्ट 33 भी था, 1919 था, ये 55 नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 55 नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता है कौन जोड़ा सुमेलित है, तो
तो देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास यही सही है। ठीक है, कहता है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा है बीपीएससी कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। सर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, दो भारतीय सदस्यों में एक विश्वविद्यालय आयोग, देख रहे हैं हम लोग, एक विश्वविद्यालय आयोग, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था किसने, करजन ने। ठीक है, तो उसमें से और कौन सा सदस्य थे, तो वही बता रहा है, बिलग्रामी, बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, इसमें से कौन हो जाएगा हमारा, मजरूल हक, कौन हो गया, मजरूल हक। ठीक है, अगला 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत, तो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने, तो एनएस हार्टिकर ने, एनएस हार्टिकर ने। बंबई योजना प्रस्तावित किया था, देख लीजिएगा, कहता जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया, तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना एस एन हल्दर ने। हिंदू पेट्रियार्क, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदू पेट्रियार्क के संपादक, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियार्क। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिम्बरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति, तो जिम्बरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन कौन हो गए, हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त और चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में, जान रहे हैं आरएसएस का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर में, आप लोग बताइए कि आरएसएस की जो है स्थापना कब हुई थी, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, हमारे बिहार से ही थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की थी, तो अर्थशास्त्र जो है उसके हस्तलिखित प्रतिलिपि की खोज किसने की थी, तो श्याम शास्त्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंततः वार्ता है, कथन किसका है, कि इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान के बीच जो है वो अनंत वार्ता है, तो ये कथन किसका है, ई एच कार का। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहला जो था सूती कपड़ा मिल का संस्थापक कौन था, तो कवासजी नानाजी दाभार। ठीक है, कवासजी नानाजी दाभार। आगे, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा रहेगा, ये किसने कहा था, तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण कब था, तो ट्रेड यूनियन स्थापना 1920 में, ट्रेड यूनियन आंदोलन का स्थापना कब हुआ था, 1920 में, इसका पूछ रहा है क्रांतिकारी चयन, तो क्रांतिकारी जो था उसका क्रम जो वो 1926 से 1939 था। अगला, बलदेव शाह ने महाधिवक्ता से त्यागपत्र कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बलदेव शाह ने महाधिवक्ता से त्यागपत्र दिया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, पहले भारतीय थे कौन, तो बाल गंगाधर तिलक, जो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो अफीम वगैरह सब कौन सा प्रसिद्ध था उस टाइम में, तो बिहार। शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, कौन, तो शारदा मणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है, तो ये लॉर्ड डफरिन का ही शायद कथन है। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या दिया है,
सैयद अहमद, तो ये भी क्वेश्चन आपका आंसर इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है, कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये इनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका आंसर सर सैयद अहमद खान दिया है, जो कि गलत है। इसको एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे, तो जमुना लाल बजाज जो व्यावसायिक बैंकर भी थे, है ना, वो AICC के खजांची भी रहे थे। अगला क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस संघ का स्थापना, तभी जस्ट हम लोग देखे थे स्थापना कब 20 में, और क्रांतिकारी चयन क्रम इनका कब से कब तक था, 26 से लेकर 39 तक था। निष्क्रिय विद्रोह विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने, ठीक है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था, अरविंद घोष ने, जो गरम दल के नेता थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक, तो पूछा गया क्वेश्चन है बार बार, इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे, तो श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे, पटना लाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, कौन कौन सा, इसका सी आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए 3 और 4, 1856 के बारे में बात कर रहा है, तो 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और राज हड़पने का सिद्धांत, राज हड़पने का सिद्धांत और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब 2 पेज और है उसके बाद खत्म, कहते कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट के बारे में, तो ये कम्युनिस्ट कौन थे, M.N. Roy, कौन थे कम्युनिस्ट, तो M.N. Roy, कॉमन ऑफ हाउस में बोलेगा तब दादाभाई नौरोजी, कम्युनिस्ट में बोलेगा कौन हो जाएगा, M.N. Roy। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, पूछा गया क्वेश्चन है, वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें, ठीक है, जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा या अफीम, तो अभी जस्ट देखे थे सर्वोत्तम सोरा या अफीम कहां से, तो बिहार से, ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में कागज का प्रयोग ये 12वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गया था, 12वीं शताब्दी से। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था, तो क्रिप्स मिशन जो है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो क्रिप्स मिशन आया था किसके अध्यक्षता में, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में, जो दिल्ली कब आया था, तो 23 मार्च 1942 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो 1893 में, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, 1915 में, ठीक है, गए कब थे, 1893 में। किसका केस लड़ने गए थे, तो गुजरात के जो है एक दादा थे अब्दुल्ला, उसी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, तो ये सब जो संविधान में जोड़ा गया कहाँ से, तो हमें फ्रेंच क्रांति से हमको मिला है, फ्रेंच क्रांति से, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की भावना, फ्रेंच क्रांति। कहते पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है, इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, 1871 में, ठीक है, जाने दीजिए ये सब प्रश्न को। कहते शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाया कब, 1921 में, किसने, तो मौलाना हसरत मोहानी ने, कौन, तो मौलाना हसरत मोहानी ने, ठीक है। चलिए फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। बारदोली, तो बारदोली जो हुआ था कहां पर है, ये गुजरात में,
चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यरवदा कहाँ है महाराष्ट्र में, नोआखली कहाँ है पश्चिम बंगाल में, मिला लीजिएगा इसका आंसर। कहते सर 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, यह आदेश किसके तहत दिया गया था, तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 46 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ऐसे भी जानते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष भी कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव जो है हमारे अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय। कौन था, तो लाला लाजपत राय 1920 में। लाला लाजपत राय कब, तो 1920 में। इसी का पूछता है, पंडित नेहरू ने जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कब, तो 1929 में अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगला, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा जो किसका इसमें ये था, तो सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान था, जो बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को जो नया प्रांत के रूप में 11 में जो घोषणा हुआ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, अगला, कहते किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। कहते पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए, जब तक एक भी भारतीय पुरुष महिला या बालक भारत में जीवित रहे, यह किसका कथन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। कहाँ पर, तो लाहौर में जाके भाषण दिए थे। ठीक है, ये हमारा अब आ गया, अच्छा अभी और अभी है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म पूछ रहा है कि जन्म कब किस वर्ष हुआ था, 1873 में। कहता है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति, तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, 1937 में आधुनिक इतिहास का विविध, ये इसमें कितना पेज बचा हुआ है, और भारत का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा, एक पेज, दो पेज बचा है, इसको कंप्लीट ही कर देता है। कहता है भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण जो भारत में पहली बार, ठीक है, प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण जो है, तो ये मेजर जेम्स रेनेल ने किया था। कहता है प्रथम पहला एंग्लो बर्मा युद्ध, तो एंग्लो बर्मा युद्ध जो है ये 1824 के आसपास हुआ था। एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824 से 26 के बीच में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, स्वराज दल चितरंजन दास, ठीक है, वैज्ञानिक समाज एम एन रॉय, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, वेद समाज तो घरेलू नायडू, ये हमारा गलत है। ठीक है, देश, कहते देशों को इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है, तो दो पक्षीय प्रणाली, तो कहाँ कहाँ पर, तो अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में कैसी व्यवस्था है, तो दो पक्षीय प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा किला जो तमिलनाडु में स्थित है, तो मनोरा का किला कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसा कुछ ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडोकोप उपनिषद के लिए लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से। इसमें कहता है कि किसने लोकप्रिय इसको बनाया, तो मदन मोहन मालवीय ने। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन, पूछा गया क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिसको क्या बोला जाता है,
सीमांत गांधी भी बोला जाता है ना, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य लोकप्रिय है, तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन सुमेलित है, ठीक है कौन सुमेलित है पूछ रहा है, कहते सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी, गलत है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, जो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहलाई, कौन, सुचेता कृपलानी। कहता है यंग बंग आंदोलन जो था, तो यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया, वही यंग बंगाल आंदोलन, तो हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, तो 1906 में जो है, 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है, तो पहला जो हम लोग जान ही रहे हैं स्टार्टिंग कहाँ से सारा चीज, तो बंगाल है ना। अगला क्वेश्चन, इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल है ना, सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, किसको, तो मैकेंजी को, कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल, जो सर्वे वगैरह सब करता है उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वेयर जनरल, तो कौन थे, तो मैकेंजी। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, महालवाड़ी व्यवस्था जो था है ना, महालवाड़ी व्यवस्था जो हम लोग पढ़े होंगे, महालवाड़ी व्यवस्था ये कौन लाया था, कौन लागू किया था, तो यही कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किया था, तो पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे और 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है, तो किसको, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, किस नाम से, तो बादशाह खां के नाम से। अगला, फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो फ्रंटियर गांधी बादशाह खां दोनों किसको, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। कहते हैं सीमांत गांधी भी देख लिया अभी, सीमांत गांधी बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी किसको, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था, तो लॉर्ड वेवेल ने किसको आमंत्रित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। ठीक है, अगला, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पूछता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये शिमला को बनाया था, कहाँ बनाया था, शिमला को बनाया था। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो स्वतंत्र पार्टी जो है, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। कदा शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, तो 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए, तो संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा, तो जानते हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जेपी आंदोलन, जिसमें जेपी आंदोलन को ही क्या बोला जाता है, संपूर्ण क्रांति भी बोला जाता है, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कल यहाँ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल से। ठीक है, चलिए।